हेलो दोस्तों, मॉडर्न एग्रीकल्चर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम गन्ने का रासायनिक खाद का प्रबंधन के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दें ताकि आप आने वाली वीडियोस देख सकें। गन्ने को मुख्य तीन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस और पोटेशियम, यह तीन अन्न द्रव्य हैं। नत्र यानी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वह पौधे को फोटोसिंथेसिस और उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। नाइट्रोजन की अगर कमी हो तो पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। फॉस्फोरस प्रोटीन बनाने और मूलों की ग्रोथ के लिए काम करता है। फॉस्फोरस फोटोसिंथेसिस में भी बहुत सारा उपयोगी है और अगर फॉस्फोरस कम हो तो पौधों को टिलर्स भी कम आते हैं, यानी कि फुटुए कम होते हैं। पोटाश पौधों को कीटक और रोगों से प्रतिकारक क्षमता में बहुत काम आता है और वह पौधों को गिरने से भी बचाता है। गन्ने में मीठास यानी कि स्वीटनेस बढ़ाने का काम करता है और जब पानी कम हो तो पानी से नुकसान से भी पौधे को बचाता है। अगर आपको प्रति एकड़ 100 टन अगर गन्ना लेना है तो आपको नाइट्रोजन 120 केजी प्रति एकड़, फॉस्फोरस 40 केजी प्रति एकड़ और पोटेशियम 80 केजी प्रति एकड़ डालना पड़ेगा, यानी कि प्रति हेक्टर आपको 300, 100, 200 केजी एनपीके आपको देना ज़रूरी है। फॉस्फोरस खाद को गन्ना लगाने से पहले ही फरो बनाते समय डालना चाहिए। पूरी फॉस्फोरस की मात्रा प्रति एकड़ 40 से 45 केजी है, वह आप सिंगल सुपर फॉस्फेट से दें। सिंगल सुपर फॉस्फेट की 50 किलो बैग में 8 किलो फॉस्फोरस होता है और 5.5 किलो सल्फर होता है। अगर आपको 40 किलो फॉस्फोरस देना है तो आपको 250 केजी सिंगल फॉस्फोरस देना होगा, यानी कि आपको 5 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट की देनी ज़रूरी है प्रति एकड़। उसके साथ ही अगर आपके ज़मीन में जिंक की कमी है तो 15 किलो प्रति एकड़ आप जिंक सल्फेट डाल दीजिए। बचे हुए दो अन्न द्रव्य यानी कि नाइट्रोजन और पोटैश हम गन्ना लगाने के 30 दिन के बाद देना शुरू करते हैं। यह तीन स्प्लिट डोसेस में दिया जाता है, पहला डोज 30 दिन बाद, दूसरा 60 दिन बाद और तीसरा 120 दिन बाद। अगर नत्र की बात करें तो हमें प्रति एकड़ 120 केजी देना होता है और हम यह तीन स्प्लिट डोज में देते हैं। प्रति डोज हमें 40 किलो नत्र देना होता है और यह हम यूरिया से देंगे। हमें पता है कि यूरिया की 50 किलो बोरी में 23 किलो नत्र होता है, तो हमें अगर 40 किलो नत्र देना है तो हमें 87 केजी यूरिया ज़रूरी है। नत्र के साथ हमें पोटैश भी देना होता है, हमें पोटैश 80 केजी प्रति एकड़ लगता है, यह भी हम तीन स्प्लिट डोज में देते हैं। हर स्प्लिट डोज में हमें 26.6 केजी पोटैश देना होता है और यह हम MOP से देते हैं। हम सब जानते हैं कि एक 50 किलो MOP के बैग में 30 किलो पोटैश होता है, तो हमें 26.6 केजी पोटैश डालने के लिए 45 केजी MOP का खाद लग सकता है, तो हम उतना खाद एक बार में डाल। यह पूरी जानकारी आप अपने डायरी में लिख कर रखा करिए, जिसमें आप बुआई की तारीख लिख सकते हैं। अगर बुआई की तारीख 5/11/2019 है तो आपको 25/10/2019 मतलब ज़मीन बनाने के समय फॉस्फोरस और सल्फर की मात्रा देनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमारा नत्र और पोटैश है वह हमें पहली मात्रा उसकी हमें 30 दिन बाद यानी कि 6/12/2019 को देनी पड़ेगी। उसमें हम 87 केजी यूरिया और 45 केजी MOP देंगे और उसके बाद दूसरी मात्रा हम 60 दिन के बाद और तीसरी मात्रा हम 4 महीने के बाद पूरी करेंगे। यह मात्रा आप आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपके पास गर्मी के सीज़न में पानी नहीं है तो आप उसके लिए थोड़ा वेट करिए, जब आप अच्छी बारिश होगी और जब ज़मीन में मॉइस्चर आ जाएगा तब आप बची हुई मात्रा लास्ट में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप गन्ने को खाद दे सकते हैं। धन्यवाद।